बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 25, नेटवर्क लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस स्विचिंग एंड वीलैंस। और स्विचिंग और वीलैंस के अंदर हमने अपने डिफरेंट टाइप्स देखी थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती है स्विचिंग की। फिर हमने डिफरेंट वीलैंस को डिस्कस किया था, वर्चुअल लैंस क्या होते हैं। स्विचिंग की टेक्निक्स देखी थी, कट थ्रू, मॉडिफाई कट थ्रू, उसके बाद जो स्विचिंग के लूप्स थे, ठीक है, लूप्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, उसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था। और बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर दैट वाज 24 लेक्चर, इन दैट लेक्चर वी डिस्कस वर्चुअल लैंस, ठीक है। वी लैंस में हमने देखे थे कि वी लैंस क्या होते हैं, फिर आपके पास जो है वीटीपी मोड्स क्या होते हैं। वीटीपी मोड्स को के बाद हमने ये देखा था कि वो उसके तीन मोड होते हैं, एक सर्वर मोड होता है, एक क्लाइंट मोड होता है, एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है। वीटीपी मोड्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने वीलैंस देखा था, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि वीलैन को क्रिएट किस तरह किया जाता है। फिर हमने देखा था कि आपके पास जो है स्टैटिक वीलैंस हैं और आपके पास जो है डायनामिक वीलैंस हैं। फिर स्टैटिक और डायनामिक वीलैंस में डिफरेंस क्या है, उन दोनों को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर हमने स्विचिंग और वीलैंस की लैब भी की थी कि स्विचिंग की लैब किस तरीके से की जाती है, वीलैन की लैब किस तरीके से की जाती है, और उन लैब्स को आपस में किस तरीके से हमने उसको कम्युनिकेट भी किया था। हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास सेल्स है, मार्केटिंग है और बिजनेस का, ठीक है, ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं, इन तीनों की वी लैंस हैं और इन तीनों को आपस में जो है वो हम लोगों ने लिंक किया था। लिंक करने के बाद उसकी डिफरेंट कमांड्स की थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस की थी। और हमने इन तमाम हमने जब से अपनी राउटिंग स्टार्ट की है, राउटिंग, स्विचिंग, वी लैंस, इन तमाम की हमने पैकेट ट्रेसर में कम्प्लीट लैब की थी। और लैब्स करने के बाद जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, वो चैप्टर है नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, हमने अपने जितने भी राउटिंग परफॉर्म की थी, हमने ये कहा था कि जो राउटर्स हैं वो आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करते हैं, और जो आपके राउटर्स हैं इनका काम क्या है, पाथ सिलेक्शन। अब पाथ सिलेक्शन जो होती है वो आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल की बेस के ऊपर होती है कि आपके पास डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, रिप है, IGRP है, BGP है, फला फला। आपने जब उनकी पाथ सिलेक्शन करनी है तो वो आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के ऊपर होगी कि जो आपका रिप प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो उसके बेस के ऊपर होगी कि आपने कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना है। रिप आपका डिस्टेंस वेक्टर है, फिर हमने IGRP देखा, BGP देखा, तो ये सारे प्रोटोकॉल देखे थे। अभी हम उन्हीं उसी फंक्शनैलिटी को इन डिटेल, फिर हमने ये भी देखा था IP एड्रेसिंग का जब चैप्टर देखा था तो हमने ये भी कहा था कि हमारे जितने भी लॉजिकल IP एड्रेसेस हैं, जो आपके IP एड्रेसेस हैं, वो भी सारे के सारे आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर ही जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो आज हम अपने नेटवर्क लेयर जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क लेयर के कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल में किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और हम उसके क्या क्या टास्क करने परफॉर्म। बेसिकली हमने अपने जो इसमें मेजर थे, जो आपकी राउटिंग थी, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया, जो IP एड्रेसिंग थी उसको भी डिस्कस कर लिया। तो आज हम इंशाअल्लाह इसको इन डिटेल और देखेंगे कि नेटवर्क लेयर की सर्विसेज और कौन कौन सी हैं हम जो यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर को मैं स्टार्ट करता हूँ। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस इंटरनेटवर्किंग, कनेक्टिंग नेटवर्क्स टूगेदर टू मेक एन इंटरनेटवर्क आर एन इंटरनेट। देखिए, हमने इंटरनेट की डेफिनेशन इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर मैंने आपको बताई थी कि इंटरनेट क्या चीज़ है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू पीसीज बट शेयर द रिसोर्सेज, ठीक है, जब तक वो आपस में जो उसके पास डिफरेंट जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो उसमें क्या है, उसमें आपके पास जो डाटा है, आपका स्कैनर है, आपका प्रिंटर है, ये सारी की सारी आपकी रिसोर्सेज हैं। जब आप इन तमाम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो आप कहते हैं, ठीक है, कि जो है वो जो आपकी डेफिनेशन थी वो आपकी नेटवर्क की डेफिनेशन थी कि नेटवर्क क्या है, कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू पीसीज बट शेयर द रिसोर्सेज, ये आपका नेटवर्क था। और इंटरनेट क्या है कि
कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक नेटवर्क, इट इज नोन एज इंटरनेट. हमने पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क दोनों डिस्कस किए थे. तो जो आपके पब्लिक नेटवर्क का कम्बिनेशन होता है वो आपके पास इंटरनेट होता है. ठीक है, तो इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क्स के नीड फॉर नेटवर्क लेयर, हमें नेटवर्क लेयर की क्यों नीड है. इंटरनेट एज अ डेटाग्राम नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो आपका एक डेटाग्राम नेटवर्क है, इस तरह है. एंड इंटरनेट इज अ कनेक्शन लेस नेटवर्क, जो इंटरनेट है वो हमारे पास एक कनेक्शन लेस नेटवर्क भी है. तो ये तीनों चीज़ों हम इसमें अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह है, क्या क्या नीड्स हैं. ठीक है, इंटरनेट आपका कनेक्शन लेस किस तरह है, एंड सो ऑन. आप देखें कि लिंक्स बिटवीन टू होस्ट, हम जब भी आपने होस्ट में लिंक्स, आप ये देखें कि ये आपके पास डिफरेंट नोड्स हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हॉप टू हॉप डिलीवरी बोलते हैं. ये इन टू नोड्स के दरमियान है, ये इन टू नोड्स के दरमियान है, ये इन टू नोड्स के दरमियान है. तो आप देखें कि हमने ये कहा था कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है. हम एप्लीकेशन लेयर से डेटे को फिजिकल लेयर तक ला रहे होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में ला रहे होते हैं. यानी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी डेटे में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपका डेटा है वो आपका सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके सेगमेंट्स हैं वो आपके पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपके पैकेट्स हैं वो आपके फ्रेम्स में हो जाते हैं कन्वर्ट, और जो आपके फ्रेम्स हैं वो आपकी बिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो बिट्स है वो 1010 है, और वो आपका डिजिटल सिग्नल है, और जो डिजिटल सिग्नल है वो आपका एनालॉग सिग्नल है, और वो आपकी कन्वर्जन है. ठीक है, आपके वोल्टेज की कन्वर्जन है. ठीक है, जो आपका करंट है उसकी कन्वर्जन है केबल के ऊपर, और वही हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. तो अब जब भी हम अपनी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप ये देखें कि ये जो आपके पास जो नोड्स हैं यहाँ पे, आप इसमें देख रहे हैं कि ये आपके पास टू नोड्स हैं. ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर के साथ है, और ये जब भी आपके आपका जो फिजिकल कनेक्शन होगा, जो आपका फिजिकल सेशन एस्टेब्लिश होगा, वो आपका फिजिकल लेयर के साथ होगा. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पे हॉप टू हॉप डिलीवरी है ये. ठीक है, ये भी आपके पास हॉप टू हॉप डिलीवरी है, यहाँ पे ये थर्ड भी हॉप टू हॉप डिलीवरी है. ये आपके पास लिंक्स हैं, नोड्स हैं, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं. यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके पास एक लिंक वन है. ठीक है, और इस लिंक वन में आप देख रहे हैं कि ये लिंक वन कहाँ पर जा रहा है, हमने कल लैब भी की थी सीरियल वन के साथ. और ये जो लैन है ये आपका फास्ट इथरनेट वन के साथ कनेक्टेड है, हमने पूरी कल लैब की है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको सारी, अब मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से पता होगा कि जो राउटर है उसकी फास्ट इथरनेट पोर्ट्स कहाँ यूज़ होती हैं और आपकी सीरियल पोर्ट्स कहाँ पर यूज़ होती हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास ये लैन है ये आपका फास्ट इथरनेट वन के साथ कनेक्टेड है, और ये जो लैन है ये आपके पास फास्ट इथरनेट टू के साथ कनेक्टेड है, और ये जो आपका वैन है थर्ड वाला ये भी फास्ट इथरनेट थ्री के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, और ये आपके पास वैन है, और ये एक लैन है, ये दूसरा लैन है, फिर आपके पास ये एक लैन है, ये एक लैन है. तो ये सारे के सारे किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ. ठीक है, और ये डिफरेंट लिंक्स के, जो आप देखें हमें लिंक्स कहा था, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक होता है, फाइबर लिंक है, ये डिफरेंट लिंक्स हैं. आप जब भी अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाते हैं, जब भी अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप के लिंक्स जो है उसमें यूज कर सकते हैं. नेटवर्क लेयर इन एन इंटर नेटवर्क. ठीक है, आप ये देखें कि पहले डाटा आपका है वो आपका नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक, देन फिजिकल लेयर, एंड सो ऑन. और यहाँ आप इसको मूव कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ये आपके पास क्या चीज बन रही है, होस्ट टू होस्ट पाथ बन रहा है. होस्ट टू होस्ट पाथ का क्या है कि ये आपके पास अगर स्टेशन ए है और इसने डाटा सेंड करना है स्टेशन डी को सेंड करना है, तो जो आपका पाथ आप देख रहे हैं कि जो आपका पाथ एस्टेब्लिश हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये करते करते ये इस पाथ तक पहुँचा है. तो ये आपके पास एक लिंक है, ये आपके पास एक पाथ है. ठीक है, जिस पाथ को एस्टेब्लिश करके ये अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा, डाटे को सेंड और रिसीव करेगा, ये इसके पास एक लिंक है. इस लिंक को ये यूज़ करके अपना डाटा सेंड और रिसीव करेगा. आपके पास नेटवर्क लेयर एट द सोर्स, राउटर एंड डेस्टिनेशन. देखिए, नेटवर्क लेयर के ऊपर हम अभी यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं. एक आप देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर एट सोर्स, और एक हम देख रहे हैं नेटवर्क लेयर एट डेस्टिनेशन. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा फ्रॉम
एंड अदर प्रोटोकॉल ये आ रहा है, ये आपके पास इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। राउटिंग टेबल क्या होता है हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, कि जहाँ पे जिसमें राउटर की एंट्रीज होती हैं, कुछ रूट्स आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कुछ आपके लर्न होते हैं दूसरे राउटर्स के थ्रू। हमने ये देखा था कि जो आपका राउटिंग टेबल है उसको अगर देखना है तो शो आईपी राउट की कमांड जो होती है, आप वो कमांड यूज करके अपना राउटिंग टेबल सी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कौन से आपके लर्न हैं, कौन से आपके किस चैनल के साथ कैसे एस्टेब्लिश है। तो वो आप अपना शो आईपी राउट का जो टेबल है वो आप यूज करके उसको देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास डेटा है, ये आपके पास डेटा फ्रॉम, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है प्रोटोकॉल से, ये इसकी जो है प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद ये इसके साथ आईपी पैकेट्स एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपके डिफरेंट पैकेट्स हैं उनके साथ, ठीक है, इसने फाइंड किया और सारे के सारे साथ उसकी राउटिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो दी, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। अब ये जब आप इसको वापस डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप इसको डेटा लिंक लेयर से पिक करते हैं, और ये आपका आईपी पैकेट है, ये यहाँ पे इसकी जो है प्रोसेसिंग होती है, और ये डेटा टू एंड अदर प्रोटोकॉल ये वहाँ सेंड हो रहा है। तो ये आपके पास देखें सोर्स और डेस्टिनेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, आपकी डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं। तो ये एक सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल थी कि जो आपके पास नेटवर्क लेयर है वो सोर्स और राउटर और डेस्टिनेशन के ऊपर कैसे यूज हो रही है, किस तरीके से यूज होती है। आपके पास उसी एग्जांपल को कंटिन्यू किया गया हुआ है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये ऑब्वियसली है नेटवर्क लेयर एट राउटर। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि फ्रॉम डेटा लिंक लेयर से आपके पास जो पैकेट आ रहा है, ये आपका आईपी पैकेट है, ये आपने यहाँ सेंड किया, इसकी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो प्रोसेसिंग हुई, यहाँ से ये सेंड हुआ आईपी पैकेट एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन ये सेंड हुई, और ये आपके पास डेटा लिंक लेयर की एंट्री है, और ये सारे को इसने प्रोसीड करके ये आपके पास एक जो है यहाँ पे राउटिंग टेबल दे दिया। तो ये आपके पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं आपके आईपी पैकेट्स आ रहे हैं डेटा लिंक लेयर से, फिर डेटा लिंक से पास हो रहे हैं, उसकी जो है प्रोसेसिंग हो रही है, और आपके पास ये कम्प्लीट राउटिंग टेबल है जहाँ पे आपकी जितने भी राउटिंग की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी लाइक कर रही हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। Switching as a network layer in the internet uses the datagram approach to packet switching. ठीक है जी, यहाँ पे जो आपके पास की पॉइंट है वो क्या है कि स्विचिंग जो है वो एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट, जो आपकी इंटरनेट लेयर है, क्योंकि यूजेज द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग, ठीक है, वो अपनी डेटाग्राम अप्रोच यूज करती है अपनी पैकेट स्विचिंग। देखें एक आपके पास सर्किट स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है, तो यहाँ पे ये आपके पास पैकेट स्विचिंग के लिए डेटाग्राम जो अप्रोच है ये यूज करती है। कम्युनिकेशन एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट इज कनेक्शन लेस। देखिए हमने जब अपना बात आ जाती है लेयर मॉडल के ऊपर, हमने जब अपना लेयर मॉडल डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने कहा था कि आपके आपके देयर आर टू टास्क, ठीक है, एक हमने कहा था कि वो आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक टीसीपी जब हम बात करते थे, हमें आपको इस बात को मैंने वहाँ भी आपको ये बात बताई थी कि हम जब लिखते हैं TCP/IP तो मैं खाली लिखता हूँ TCP, ठीक है, तो TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो TCP तो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ TCP/IP तो IP आपका कनेक्शन लेस है। बहुत से लोगों के जहन में ये बात होती है कि TCP/IP एक ही लेयर पर काम कर रहा होता है, नो, TCP जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, वो लेयर 4 प्रोटोकॉल है जो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, जो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा होता है, लेकिन जो आपके पास IP है वो आपका कनेक्शन लेस है, वो आपको जो है एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो प्रोटोकॉल आपका चल रहा होता है, वो आपके पास IP चल रहा होता है, क्योंकि जो आपके पास IP है वो आपका कनेक्शन लेस है। तो जो कम्युनिकेशन एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट इज कनेक्शन लेस, बिकॉज आप देखें जब IP आपका कनेक्शन आपका लेस है, अब आपके जितने राउटर्स हैं वो सारे के सारे
आईपी को यूज करते हैं और वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, तो वो भी सारी की सारी कनेक्शन लेस होगी। यानी उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती कि जो अपने अपने पैकेट भेज दिया है, डाटा भेज दिया है, वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती। अब आईपी वर्जन 4 को हमने पहले भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज द डिलीवरी मैकेनिज्म यूज्ड बाय द TCP/IP प्रोटोकॉल। देखिए हम इसको पढ़ चुके हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट्स का होता है। हमने क्लास ए देखी, क्लास बी देखी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, फिर हमने देखा कि कनेक्शन लेस, ठीक है, आपके पास जो है क्लास लेस और क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, फिर हमने सबनेटिंग देखी, फिर हमने सबनेटिंग के बाद जो साइडर देखा। तो ये सारी चीजें हम अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आईपी को या उसकी क्लासेस को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि उसकी डेटाग्राम, उसकी फ्रेगमेंटेशन, उसकी चेकसम किस तरह होते हैं, उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो टूवर्ड दिस साइड है। हमने वहाँ पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि 32 बिट होता है, नोड पोर्शन कितना है, नेटवर्क पोर्शन कितना है, ठीक है, क्लासेस के प्रूफ क्या होते हैं, मल्टीकास्टिंग का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं आज, ठीक है। तो टुडे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आईपी वर्जन 4 की सबनेटिंग नहीं है, वो आईपी वर्जन 4 के जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो अब इसके अंदर जो हम अपने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे डेटाग्राम का, देन हम इसमें चेक करेंगे फ्रेगमेंटेशन का, फिर हम चेकसम का, और फिर हम इसमें देखेंगे ऑप्शंस का। तो ये टॉपिक्स हम आज वाले जो मेरा लेक्चर है इसमें डिस्कस करेंगे। अब पोजीशंस ऑफ आईपी 4 इन TCP/IP प्रोटोकॉल सुइट। देखिए जो आपका प्रोटोकॉल सुइट होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होता है। अब आप ये देखेंगे ये वही नेटवर्क आ गया कि ये आपके पास TCP, हमने क्या कहा था कि जो OSI की 7 लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये हमने कहा था कि TCP/IP में 5 लेयर मॉडल भी होता है, 4 लेयर मॉडल, हम ये दोनों डिस्कस किए थे, और हमने सिस्को में इसके साथ 3 लेयर मॉडल देखा था। बेसिकली ये उन्हीं 7 लेयर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो 4 और 5 लेयर्स में जो है उसको किया हुआ है। बाज बुक्स में जो है वो इसको 4 बुक्स में कहा जाता है, बाद में 5 बुक्स में 5 लेयर में कहा जाता है। तो हम इसको हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में इसकी हमने मैपिंग देख ली थी कि जो आपके पास मैपिंग हुई हुई है वो किस तरीके से कैसे हुई हुई है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमने क्या कहा था, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, आपके पास SMTP है, आपके पास FTP है, आपके पास TFTP है, आपके पास DNS है, आपके पास CA, बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर, सिंपल नेटवर्क मेमोरी प्रोटोकॉल, ये जितने भी आपकी सर्विसेज हैं सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर पे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने क्या कहा था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, एक आपके कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और एक आपके कनेक्शन लेस होते हैं। जो आपके कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो आपका TCP है, जिनमें आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है, ठीक है। जो आपके पास UDP है ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती। देन आपके पास नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आईपी वर्जन 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो आपका यहाँ पे रन हो रहा है, और उसके साथ आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, अंडर लिंक लैन आर वैन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट लैन या वैन की जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं यहाँ पे यूज हो रही हैं। तो आपकी बेसिकली जो आईपी वर्जन 4 की पोजीशन है वो आप देख रहे हैं, इट्स अ लेयर 3 प्रोटोकॉल, ये लेयर 3 पे काम करता है और ये आपके पास जो है कनेक्शन लेस है। यानी ये आपके पास एक तो लेयर 3 प्रोटोकॉल है और दूसरा ये आपके पास क्या है, ये आपका जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जी। अब आपके पास जो
आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम फॉर्मेट्स हैं। आप जिस तरह आपने कहा था कि पैकेट में सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, चेक बिट्स होती हैं, डेटा होता है, ऑप्शन बिट्स होती हैं, सीआरसी बिट्स होती हैं, वैसे ही आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास 20 to 60 बाइट्स होता है, ठीक है, यानी 4 बिट्स होती हैं वर्जन की, 4 बिट्स होती हैं आपके हेडर लेंथ की, 8 बिट सर्विस की होती हैं, टोटल लेंथ होती है 16 बिट्स की होती है। फिर इसमें आपके पास कुछ आइडेंटिफिकेशन बिट्स हैं 16 बिट्स, कुछ आपके फ्लैग बिट्स हैं, ठीक है, टाइम टू लिव बिट्स हैं 8 बिट्स, फिर आपके जो प्रोटोकॉल की बिट्स हैं 8 बिट्स, और फिर जो आपका हेडर चेकसम है वो आपके पास 16 बिट्स का। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपके पास सोर्स आईपी एड्रेस है, फिर उसके बाद फिर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और ये आपके कुछ ऑप्शनल बिट्स हैं एंड सो ऑन। सर्विस टाइप्स आर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंशिएटेड सर्विसेज क्या हैं, ये आपके पास कोड पॉइंट्स हैं। अब कोड पॉइंट्स में क्या है कि आप देखें कि हमने क्या क्या है कि टी क्या है मैक्सिमाइज थ्रूपुट है, डी क्या है मिनिमाइज डिले, जो आपका डिले आ रहा है उसको मिनिमाइज करना है, आर क्या है मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी कि वो लिंक कितना रिलायबल है, और सी क्या है मिनिमाइज कास्ट, ठीक है, और ये टी ओ एस क्या है, ठीक है, जो आपकी बिट्स हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं डी टी आर सी, ये आपके पास बेसिकली सर्विस टाइप है, और ये आपके पास डिफरेंट जो आपकी जो आप अपनी सर्विसेज चूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी वो है आपके पास। द प्रेजेंस ऑफ सब फील्ड वाज पार्ट ऑफ वर्जन 4 बट नेवर यूज, यानी हम ये आपके पास पार्ट का वर्जन 4 था लेकिन हम इसको कभी यूज नहीं करते, ये ठीक है, या ये कभी यूज नहीं हुआ आपके आईपी वर्जन 4 के अंदर। ये आपकी वो जो टी ओ एस बिट्स हैं जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं, ये आप देख लेंगे, ये जो आपके पास टी ओ एस बिट्स हैं, इन टी ओ एस बिट्स की क्या डिटेल है कि जो आपके पास 0000 है ये आपके पास नॉर्मल और डिफॉल्ट है, 0001 ये आपके पास जो है ये यूज होती है मिनिमाइज कास्ट के लिए, 0010 मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी के लिए यूज होती है, 0100 मैक्सिमाइज थ्रूपुट के लिए यूज होती है, और देन आपके पास जो 1000 है ये आपके पास मिनिमाइज डिले के लिए होती है। तो ये आपके पास जो है वो फिक्स हैं कि 4 0s किस लिए हैं, फिर 3 0s 1 किस लिए हैं, फिर 2 0 1 0 किसके लिए है, और फिर 0 1 0 0 किसके लिए है, और फिर 1 0 0 किसके लिए है। तो ये आपके पास टाइप ऑफ सर्विस जो है, ये आपके पास डिफॉल्ट टाइप आपकी सर्विस है, जो आपके पास डिफरेंट टाइप की डिफॉल्ट सर्विसेज चल रही हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैशिंग प्रोटोकॉल में आप ये यूज करते हैं, ये बूट पी के लिए है, ये एनएनटीपी के लिए है, ये आईजीपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए ये यूज करते हैं, टेलनेट हमने करके देखा था लैब, एफटीपी डाटा के लिए है, एफटीपी कंट्रोल के लिए है, टीएफटीपी के लिए है, सिंपल मेल ट्रांसफर पोर्टल के जो कमांड है उसके ये है, डेटा के लिए है, डीएनएस के लिए जो आपके पास यूडीपी क्यूरी है उसके लिए है, डीएनएस जो आपके पास टीसीपी क्यूरी है उसके लिए है, और ये आपके पास डीएनएस आपका जोन है। तो ये आपके पास डिफॉल्ट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये आपके पास वैल्यूज फॉर कोड पॉइंट्स, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो आपके पास कोड पॉइंट्स की हैं, कि जो 1 है आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, जो आपके पास 2 है इसकी वैल्यू क्या है, जो आपके पास 6 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो 1 है इट्स इंटरनेट कंट्रोल मैशिंग प्रोटोकॉल, जो आपके पास 2 है इंटरनेट ग्रुप मैशिंग प्रोटोकॉल, जो 6 है ये टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, 17 जो है ये आपका यूजर ग्राम डाटा, ये आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, 89 जो है ओएसपीएफ है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो हैं ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं, और ये उनके साथ वैल्यूज हैं जो उसके साथ लिंक्ड हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। द टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डाटाग्राम इंक्लूडिंग द हेडर, यानी जो आपकी टोटल लेंथ फील्ड होती है वो इस चीज को डिफाइन कर रही होती है कि जो आपके पास टोटल लेंथ होती है आपके पास डाटाग्राम की, उसमें वो शामिल करके जो आपका हेडर होता है। तो ये आपके पास एक की पॉइंट है, ठीक है, ये एक आपके पास जो नोटिंग पॉइंट है कि द टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डाटाग्राम इंक्लूडिंग द हेडर, ठीक है, जो आपके पास हेडर है उसको इंक्लूड करते हुए
आपकी होती है। ये आप देख रहे हैं एनकैप्सुलेशन ऑफ अ स्मॉल डाटाग्राम इन एन ईथरनेट फ्रेम। अब आपके पास जो ईथरनेट का फ्रेम है, ठीक है, किस लेयर पे बन रहा होता है फ्रेम? लेयर टू पे बन रहा होता है, क्योंकि जो सेगमेंट्स हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे बन रहे होते हैं, जो आपके पास पैकेट्स हैं, ठीक है, वो आपके सारे के सारे क्रिएट हो रहे होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, और जो आपके पास जो आपके फ्रेम्स हैं वो आपके बन रहे होते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। और फिर आपके पास जो बाकी कन्वर्जन होती है वो सारी की सारी आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर हो रही होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है लेयर टू का हेडर है, ठीक है, इसमें आपके पास जो मिनिमम बिट्स हैं वो कितनी 46 बिट्स हैं, और ये आपके पास जो डाटा है ये 46 बिट्स से लेस है, ये आपके कुछ पैडिंग बिट्स हैं, और ये आपके पास लेयर टू का ट्रेलर है जो हेडर। हमने कहा था जब आप अपने एक लेयर से डाटे को स्टार्ट करते हैं, यानी जब एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर में आता है, तो हर लेयर एक अपनी वैल्यू उसके साथ एक लाइक कोड एसोसिएट कर देता है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में हेडर बोलते हैं। वो आपके हेडर्स एप्लीकेशन लेयर से ऐड होना शुरू होते हैं और फिजिकल लेयर तक आते हैं, जब वो वापस दूसरे एंड के ऊपर जब वो डाटा जा रहा होता है तो हर लेयर वो जो आपका हेडर होता है उसको रिमूव कर रही होती है, यानी फिजिकल ने अपना रिमूव कर लिया, डेटा लिंक ने अपना रिमूव कर लिया, नेटवर्क लेयर ने अपना रिमूव कर लिया, करते करते जो एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचते हैं तो सेम वही डाटा होता है जो बोथ एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होता है, जो आपने सेंड किया होता है वही वहां पहुंच जाता है, तो जो बाकी डाटा है वो इस तरीके से वहां पे जो है नहीं पहुंचता है। तो ये आपके पास जो है ये जब आप इसमें डाटा को ऐड कर रहे हैं तो ये सारी की सारी आपकी लिंक्स उसमें ऐड हो रही हैं, और जब ये दूसरे एंड पे आपका रिमूव हो रहा है तो वो सारी की सारी वहां से आपकी वन बाय वन जो है रिमूव हो रही है। देन आपके पास प्रोटोकॉल फील्ड एंड एनकैप्सुलेटेड डाटा, जो आपके पास प्रोटोकॉल फील्ड है और जो आपका डाटा एनकैप्सुलेट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है कि बल्कि एक मिनट, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये पैडिंग है लेयर टू ट्रेलर है, और ये आपके पास जो मिनिमम साइज है वो 46 बाइट्स था। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल फील्ड एंड एनकैप्सुलेटेड डाटा, ठीक है, जो आपके पास प्रोटोकॉल फील्ड है और जो आपके पास एनकैप्सुलेटेड डाटा है वो क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ये आपके पास सारी की सारी नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर द वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइंस टू विच प्रोटोकॉल द डाटा बिलोंग, यानी वो आपकी वैल्यू जो है या वो जो प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको डिफाइन कर रहा होता है कि आपने कौन सी सर्विस आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब अभी देखें कि यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये एक आपका लिंक स्टेट, ये आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ से आप जो है यूज़ कर रहे हैं IGM, इंटरनेट ग्रुप मैचिंग प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं, ICM, इंटरनेट कंट्रोल मैचिंग प्रोटोकॉल, तो यहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं TCP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं SCTP, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके पास जो आपकी प्रोटोकॉल फील्ड्स हैं उनके साथ जो आपका डेटा है वो एनकैप्सुलेट हुआ है, उसकी डेटा की एनकैप्सुलेशन हुई हुई है। ये आपके पास वो टेबल है जिस तरह लास्ट टेबल देखा है, ये उसकी वैल्यूज़ हैं कि ICMP जो है ये 1 वैल्यू यूज़ कर रहा है, IGMP 2 यूज़ कर रहा है, ठीक है, TCP जो है आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो 6 यूज़ कर रहा है, जो UDP है वो 17 यूज़ कर रहा है, और जो OSPF है वो आपके पास 89 यूज़ कर रहा है। तो आपके पास एक टेबल है जो उसकी वैल्यूज हैं वो किस तरीके से क्या यूज़ कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, हम इन्हीं कंसेप्ट को यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एन IP वर्जन 4 पैकेट हैज़ अराइव्ड विद द फर्स्ट 8 बिट्स एज शोन। एक IP 4 का पैकेट हम सेंड करते हैं तो कहते हैं उसके जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो ये आई हैं 01001Y, द रिसीवर डिस्कार्ड्स द पैकेट, जो रिसीवर है उसने इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया Y, ठीक है। ये यानी ये आपके पास एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक IP पैकेट 4 सोर्स से डेस्टिनेशन पे एक पैकेट रिसीव होता है, और उस पैकेट की जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं आपके पास, इसमें हैं, इसमें 04001 है, तो
तो अब जो आपका रिसीवर है वो उसको डिस्कार्ड कर देता है. व्हाई? क्वेश्चन पूछा है द रिसीवर डिस्कार्ड द पैकेट, तो आपसे पूछी गई रीजन व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो अब आप देखें देर इसकी क्या सोल्यूशन है. देर इज एन एरर इन दिस पैकेट, द फर्स्ट द फोर लेफ्ट मोस्ट बिट्स 0100 शोन द वर्जन. जो आपका वर्जन है वो अगर हम बैक पे जाएं प्रीवियस करें, अगर हम ये आप देखें कि जो आपके पास जो फर्स्ट ये जब हमने एक चार्ट देखा था, तो इस चार्ट को जहन में रखते हुए जो उसने यहाँ पे इसकी सोल्यूशन फाइंड की है, देर इज एन एरर इन दिस पैकेट, द फर्स्ट द फोर लेफ्ट मोस्ट बिट 0100 शोन द वर्जन विच इज करेक्ट, द नेक्स्ट फोर बिट्स 0010 शो एन इनवैलिड इनवैलिड हेडर, लैंड 2 × 4 इज इक्वल टू 8, द मिनिमम नंबर ऑफ बाइट्स इन द हेडर मस्ट बी 20, द पैकेट हैज बीन करप्टेड इन ट्रांसमिशन. ठीक है, तो ये जो आपको मिनिमम बाइट्स चाहिए होती हैं, उसके अंदर 20 बाइट्स चाहिए थी. ठीक है, और जैसे हमने कहा था कि आपके पास ईथरनेट में जो आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो 1518 आपका थ्योरेटिकल है और 1500 बाइट्स आपका जो प्रैक्टिकल है. तो यहाँ पे भी जो आपके पास जो आपका पैकेट है वो इसलिए करप्ट हुआ है कि आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो आपको कितनी चाहिए, वो आपको 20 चाहिए थी. ठीक है, इस वजह से आपका जो पैकेट है वो आपका ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो है वो आपका करप्ट हो गया. इन एन आईपी वर्जन 4 पैकेट द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 1000 इन बाइनरी, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग कैरीड बाय दिस पैकेट. ये आपकी एक नेक्स्ट एग्जांपल है. यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एन आईपी पैकेट 4 द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 1000 इन बाइनरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग कैरीड बाय दिस पैकेट. ये जो पैकेट है ये कितनी वैल्यूज को कैरी कर सकता है, तो इसकी सोल्यूशन क्या है. द हेडर लेंथ वैल्यू इज 8, जो हेडर लेंथ की वैल्यू आपको डिफाइन 8 है, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द हेडर 8 × 4. ठीक है जी, 8 × 4 आर 32 बाइट्स, द फर्स्ट 20 बाइट्स आर द बेस हेडर. जो पहले 20 बाइट्स होती हैं वो आपकी बेस जो हेडर की जो प्री डिफाइन वैल्यूज हैं वो होती हैं, दैट द नेक्स्ट 12 बाइट्स आर द ऑप्शन. ठीक है, तो जो बाकी आपकी 12 बाइट्स होती हैं वो आपकी ऑप्शन होती है. उसने पूछा क्या पूछा था, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शन आर बीइंग कैरीड बाय दिस पैकेट, यानी ये जो पैकेट है ये कितनी बिट्स को कैरी कर सकता है. तो इसका आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल गया. नेक्स्ट एक और इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, द इन एन आई पी पैकेट द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 5. ठीक है, जो आपके पास जो आपका आई पी पैकेट है इसकी जो हेडर लेंथ है वो 5 है, एंड द वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इज 2 × 0028. और आपसे क्या चीज पूछी गई है, हाउ मैनी बाइट्स ऑफ डेटा आर बींग कैरिड बाय दिस पैकेट. तो ये पैकेट कितना डेटा कैरिड कर सकता है. द हेडर लेंथ वैल्यू इज 5, जो आपका हेडर लेंथ है इसकी वैल्यू 5 है, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द हेडर इज 5 × 4 आर 20 बाइट्स. ठीक है, आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया. नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है. द टोटल लेंथ इज 40 बाइट्स, विच मीन्स द पैकेट इज कैरिंग 20 बाइट्स आर 40 − 20. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देखें इस तरह के जो क्वेश्चन है, अगर आपको जो लास्ट हमने लास्ट 3-4 स्लाइड में जो हमने एक चार्ट देखा है उसमें आपके पास वैल्यूज गिवन है, वो चार्ट आप प्रिंट कर लें, वो प्रिंट करके साथ रखें, और फिर इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं आप उसको 2-3 टाइम्स करें, तो आपकी सारी की सारी जो है वो जो कन्फ्यूजन भी हैं आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो उस चार्ट को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप उस चार्ट को जहन में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज डिफाइन हुई हुई हैं, कौन सी वैल्यू कितनी है, किस चीज़ की वैल्यू कितनी है, तो वो आपने लाजमी देखना है. द हेडर लेंथ वैल्यू इज 5, ठीक है, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द हेडर इज 5 × 4 आर 20 बाइट्स. नो ऑप्शन, द टोटल लेंथ इज 40 बाइट्स, विच मीन्स द पैकेट इज कैरिंग 20 बाइट्स. उसको माइनस कर दिया तो आपके पास ये आंसर यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एन आई पी वर्जन 4 पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट फ्यू हेक्सा डेसिमल डिजिट शो. अब ये जो हुआ है ये आपके पास हेक्सा डेसिमल का है, तो आप इसमें क्या देखते हैं, हाउ मैनी हॉप्स कैन दिस पैकेट ट्रेवल बिफोर बींग ड्रॉप्ड. हाँ,
यानी एक नेटवर्क था, एक सोर्स थी, एक डेस्टिनेशन थी। अब दरमियान में जो हॉप्स हैं वो क्या आपके राउटर्स हैं, फर्ज किया फोर राउटर्स इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे फोर हॉप्स हैं, फाइव राउटर्स अगर आपके इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे फाइव हॉप्स हैं, सिक्स अगर है तो हम कहेंगे सिक्स हॉप्स आपकी हैं। तो या फिर वो ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी हॉप्स कैन दिस पैकेट ट्रैवल बिफोर बींग ड्रॉप, यानी ड्रॉप होने से पहले, जब वो पैकेट कहीं ड्रॉप हुआ है उससे पहले कितने वो नंबर ऑफ हॉप्स को ट्रैवल कर गया था। ठीक है, द डेटा बिलोंग टू व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, टू फाइंड द टाइम टू लिव फील्ड विच स्किप 8 बाइट्स, द टाइम टू लिव फील्ड इज द 9th बाइट विच इज 1, जो 1 है। दिस मीन्स The packet can travel only one hop. The protocol field is the next byte 02, which means that the upper layer protocol is IGMP. अब इस सोल्यूशन को फिर आपको जो है बताता हूँ, यानी क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, टू फाइंड द टाइम टू लिव वैल्यू, जो टाइम टू लिव जो TTL फील्ड है आपकी, ठीक है वो, ठीक है वो स्किप 8 बाइट्स, हमने 8 बाइट्स को जो स्किप कर दिया है, द टाइम टू लिव फील्ड इज द 9th बाइट, यानी वो जो आपके पास 9th बाइट बनती है विच इज 01, जो आपकी 01 है, द मीन्स द पैकेट कैन ट्रेवल ऑनली वन हॉप, यानी वो उसने एक हॉप ही ट्रेवल किया है, द प्रोटोकॉल फील्ड इज द नेक्स्ट बाइट 2, विच मीन्स दैट द अपर लेयर प्रोटोकॉल इज IGMP इंटरनेट ग्रुप मैशिंग प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये आपके पास मैक्सिमम MTU आ गया, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो आपके पास, आप ये देख रहे हैं कि ये आपका IP डेटाग्राम है, ये आपका हेडर है, और ये आपके पास जो MTU है ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ डाटा टू बी इनकैप्सुलेटेड इन अ फ्रेम, यानी ये वो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है आप एक डाटे की, वो मैक्सिमम लेंथ है कि जो इनकैप्सुलेट होती है एक फ्रेम के अंदर, और ये आपका ट्रेलर है। तो यहाँ पे ये आपका हेडर आ गया, ये आपका ट्रेलर आ गया, और ये आपके पास मैक्सिमम लेंथ वो है जो आपकी एनकैप्सुलेट हो रही है एक फ्रेम के अंदर। तो ये IP, देन ये हेडर, ये फ्रेम, और ये आपके पास ट्रेलर, और ये सारी सारी चीज़ क्या है आपके पास जो आती है, ये आपकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है जिसको हम MTU कहते हैं। देन आपके पास MTU फॉर सम नेटवर्क्स, जो आपके पास मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, इनके जो कुछ नेटवर्क्स हैं आप देखें कि जो आपकी MTU क्या है, कि जो आपका हाइपर चैनल है ये आपका, इसका MTU क्या है 65,535, जो आपके पास टोकन रिंग 16 मेगाबिट्स के नेटवर्क है ये आपका 17,914, जो टोकन रिंग आपका 4 मेगाबिट्स का है ये 4,464, जो आपके पास FDDI है ये आपके पास फाइबर डाटा, ठीक है ये आपकी जो बात कर रहे हैं, ठीक है फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस 4352 है, इथरनेट का जो हम पहले भी देख चुके थे कि जो थ्योरेटिकल है, ठीक है वो आपका 1518 है, और जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपके पास 1500 है, एक्स्ट्रा 25 है ये 576 है, और PPP है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये 296 है। तो ये आपके पास एक चार्ट है कि हाइपर चैनल कितना है, टोकन रिंग, ठीक है इसका टोकन रिंग 4 मेगाबिट्स, FDDI, ठीक है इथरनेट, एक्स्ट्रा 25 और पॉइंट टू पॉइंट। तो ये आपके पास हमारे पास एक चार्ट है कि कौन सा कितना यूज़ कर रहा है, उसकी क्या लिमिट्स हैं, और उसको हमने कहाँ तक डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास जो आपके फ्लैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंटेशन में, जो D है डू नॉट फ्रेगमेंट, और जो M है इसका मतलब है कि मोर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास D है ये, ठीक है इससे बनता है, ये आपके वो आपके फ्रेम्स हैं कि जिनको फ्रेगमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो M है ये आपकी मोर फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये आप देख लें, ये हमारे पास एक फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है, ठीक है इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपके पास जो बाइट है ये आपके पास 0000 है, और ये आपके पास 3999 है। यहाँ पे जो आपके पास ऑफसेट वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 0000/8 करते हैं इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास ऑफसेट एक ही बन रहा है, इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास बन गया 0, इसको आपने कैलकुलेट किया 1400 है और 2799 है, तो 1400 को आपने डिवाइड बाय किस पे करेंगे 8 करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया 175 आ गया। ये आपके
पास जो है 2800 है, इसको डिवाइड बाई 8 किया था, वो बस क्या आ गया 350 आ गया। तो आप इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन करते हैं। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्यों की जाती है, फ्रेगमेंटेशन इसलिए की जाती है कि जो आपके पैकेट की लिमिट है, जिस तरह मैंने आपको एक लेमैन वाली एग्जांपल भी दी थी कि आपके पास अगर 20 kg शुगर है और आपके पास शॉपिंग बैग 2 kg वाले हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप वो 20 kg एक ही शॉपिंग बैग में डाल दें, आपको डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट पैकेट्स बनाने पड़ेंगे 2 kg के, ठीक है। तो सेगमेंट और वो हर, क्योंकि 2 kg की जो जो शुगर की लिमिट है उसमें मैक्सिमम 2 kg शुगर जो यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने जो है वो फ्रेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, और फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ जो आपके जितने भी डेटा पैकेट चाह रहे होते हैं वो उसकी लिमिट को जहन में रखते हैं। अब ये नहीं है जिससे मेरे पास एक 10 MB की फाइल है और मैं उसको यूज़ करता हूँ ईथरनेट के ऊपर, तो मुझे पता है ईथरनेट की जो लिमिट है वो 1500 बाइट्स है, इससे ज़्यादा वो डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो मैं उसको 10 MB को डिवाइड करता हूँ 1500 बाइट्स के ऊपर, तो उसके बाद वो उसके सेगमेंट्स या उसके फ्रेगमेंट्स बनाता है, और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है उस तरीके से जो आपका डाटा है वो सेंड और रिसीव हो रहा होता है। ये आपके पास देखें, ये हमारे पास एक डिटेल फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल है। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था, ठीक है। इस ओरिजिनल डाटे को आप ये देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, यानी ये आपके पास था 14567, ठीक है, 4020, ठीक है। इसको हमने सेंड किया 1420 में, ये हमारे पास एक फ्रेगमेंट बना, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं हमने इसके फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 और फ्रेगमेंट 2 के, फिर हमने 2 सब फ्रेगमेंट बना दिए हैं, जिसको हमने फ्रेगमेंट 2.1 कह दिया और फ्रेगमेंट 2.2 कह दिया। तो अब ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आपके पास तो ओरिजिनल डाटा था, इसके हमने अपने 2-3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाए, और फिर जो सेकंड फ्रेगमेंट है इसके मज़ीद हमने 2 सब फ्रेगमेंट कर दिए। तो ये आपके पास एक डिटेल फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल्स हैं, माइट बी 2.1 के, फिर आपके पास 2.1 ए हो जाए, 2.1 बी हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा साइज क्या है, ठीक है, आपकी लिमिट्स क्या है पैकेट डाटे की सेंड और रिसीव करने की, आप उन तमाम चीज़ों को देख के जो अपनी फ्रेगमेंटेशन करते हैं वो उस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए पैकेट हैज अराइव्ड विद एन एम बिट वैल्यू ऑफ 0, इन दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट, द लास्ट फ्रेगमेंट आर अ मिडिल फ्रेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास एक पैकेट है जो आपका अराइव होता है विद एन एम बिट वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, एम बिट वैल्यू ऑफ 0 है, इज दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट, कि ये क्या फर्स्ट फ्रेगमेंट है या लास्ट फ्रेगमेंट है या आपका मिड वाला फ्रेगमेंट है। डू वी नो इफ द पैकेट वाज फ्रेगमेंटेड, क्या हम ये जान सकते हैं कि वो पैकेट आपका फ्रेगमेंटेड था कि नहीं। अब इसकी सलूशन क्या है, इफ द एम बिट इज 0, अब देखें कुछ बिट्स हमने प्री डिफाइन किए, जैसे हमने कहा था कि जो 0 बिट है वो क्लास ए के लिए है, 10 जो है वो क्लास बी के लिए है, 110 जो है क्लास सी के लिए है, ठीक है, 11 जो है वो क्लास डी के लिए है, और 110 जो है वो क्लास सी के लिए है। तो वैसे ही हमने यहाँ भी अपने कुछ बिट्स को डिफाइन किया हुआ, मैं कहता हूँ इफ द एम बिट इज 0, अगर एम बिट आपकी 0 है, इट मीन्स दैट देर आर नो मोर फ्रेगमेंट्स, इसका मतलब और आपके पास कोई फ्रेगमेंट्स नहीं है, द फ्रेगमेंट इज द लास्ट वन, ठीक है, वो लास्ट वन है। हाउ एवर वी कैन नॉट से इफ द ओरिजिनल पैकेट वॉज फ्रेगमेंटेड आर नॉट, इन नॉन फ्रेगमेंटेड पैकेट इज कंसिडर्ड द लास्ट फ्रेगमेंट। अगर आपको बिट्स का आइडिया है कौन सी बिट कहाँ पे किस तरीके से आपके अटैच हो रही है, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि वो लास्ट बिट है, वो फर्स्ट बिट है, या वो आपकी मिडल वाली बिट है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये पैकेट हैज अराइव्ड विद एन एम बिट वैल्यू ऑफ 1, एक पैकेट आपका अराइव होता है जिसमें एम बिट वैल्यू आपकी 1 है, इन दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट द लास्ट फ्रेगमेंट आर अ मिडिल फ्रेगमेंट, डू वी नो इफ द पैकेट वॉज फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, ए पैकेट हैज अराइव्ड विद एन एम बिट वैल्यू ऑफ 1, इज दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट, द लास्ट फ्रेगमेंट आर अ मिडिल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, इफ द, अब इसकी भी सोल्यूशन जो है जिस तरह हमने लास्ट वो देखिए बिल्कुल सेम है, इफ द एम बिट इज 1, इट मीन्स दैट देर इज अ एट लीस्ट वन मोर फ्रेगमेंट, दिस फ्रेगमेंट कैन बी द फर्स्ट वन,
आर अ मिडल वन बट नॉट द लास्ट वन. वी डोंट नो इफ इट इज द फर्स्ट वन आर अ मिडल वन. वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट. हमें इसमें मजीद बिट्स चाहिए. जो आपके पास ऑफसेट बिट्स हैं हम उसको देख के आपको बता सकते हैं कि ये मिडल है, ये आपका फ्रेगमेंट है, ये आपके पास ये लास्ट है. नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जाम्पल है. ए पैकेट हैज अराइव्ड विद एन एम बिट्स वैल्यूज ऑफ वन एंड अ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू ऑफ जीरो. इज दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट लास्ट फ्रेगमेंट. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी सोल्यूशन. बिकॉज द एम बिट इज वन, इट इज आइदर द फर्स्ट फ्रेगमेंट और अ मिडिल वन बिकॉज ऑफ द ऑफसेट वैल्यू इज जीरो. क्योंकि जो ऑफसेट वैल्यू आपको है वो आपको यहाँ पे गिवन है वो जीरो है. इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट, ठीक है. तो यानी ये अगर आपको रूल्स पता चल गए हैं कि इनके रूल्स क्या हैं और इन रूल्स को आपने किस तरह अप्लाई करना है, तो फिर ये कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो पता नहीं है कि जो आपकी मिडिल बिट में अगर जीरो आता है तो फिर क्या होता है, अगर शुरू में आता है तो फिर क्या होता है, अगर एंड में आता है तो फिर क्या होता है, ऑफसेट वैल्यू होती क्या है, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन करना थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे. तो पहले आप जब इस चैप्टर को स्टडी करेंगे अपनी फेरोजन से, ठीक है, तो आपने इसमें ये आई थिंक आपको ठीक है, तो जो उसके अंदर आपके पास जो डिफरेंट न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है, आपने उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है. तो इसलिए मैं साथ कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी लेके आता हूँ ताकि साथ साथ आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ थ्योरी या सिर्फ लैब करके चले जाएं. तो कुछ आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज भी हो गया ये इन चीज़ों को किस तरीके से कैसे फाइंड किया जाता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिकॉज द एम्बेड इज वन, इट इज आइदर द फर्स्ट फ्रेगमेंट आर मिडिल वन बिकॉज द ऑफसेट वैल्यू इज जीरो, ठीक है, इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके पास है. ए पैकेट has arrived in which the offset value is 100, what is the number of the first byte? अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि उसके फर्स्ट बाइट का नंबर क्या है. डू वी नो द नंबर ऑफ द लास्ट बाइट, कि हम लास्ट बाइट का नंबर भी जान सकते हैं. टू फाइंड द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट वही मल्टीप्लाई द ऑफसेट वैल्यू बाई 8. जो आपके पास मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऑफसेट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 8 से. दिस मीन्स द फर्स्ट बाइट नंबर इज 800. अगर आप देखें, अगर फर्स्ट बाइट आपके पास 1 है, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा 800. वी कैन नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ द लास्ट बाइट अनलेस वी नो द लेंथ. देखें, फर्स्ट तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि उस पैकेट की, उस फ्रेगमेंट की टोटल लेंथ कितनी है, तब तक आप फाइंड नहीं कर सकते कि वो उसकी लास्ट बाइट क्या है, ठीक है. तो उसके लिए जो लास्ट बाइट है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको उसकी एक लेंथ भी चाहिए होती है कि उसकी कितनी लेंथ है, आप उसके बगैर उसको फाइंड नहीं कर सकते. जी, नेक्स्ट जो आपके पास इसमें एग्जांपल है, एक मिनट. हम ए पैकेट हैज अराइव्ड इन विच द ऑफसेट वैल्यू इज 100, द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इज 100, व्हाट आर द नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट एंड द लास्ट बाइट. तो जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कहता है कि पैकेट हैज अराइव्ड इन विच ऑफ द ऑफसेट वैल्यू, वो वैल्यू 100 है, द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ 5 है एंड द वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड जो है, जो उसकी टोटल लेंथ की फील्ड है वो 100 है. व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द फर्स्ट बाइट, जो फर्स्ट बाइट है उसके नंबर, फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट के जो हैं उसके नंबर्स क्या होंगे आपके पास. तो अब ये देखें कि द फर्स्ट बाइट नंबर इज 100 × 8, जो फर्स्ट बाइट का नंबर है वो 100 × 8 है. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 800. द टोटल लेंथ इज 100 बाइट्स एंड द हेडर लेंथ इज 20. जो टोटल आपकी लेंथ है वो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है वो है 100 बाइट्स, और जो आपकी हेडर की लेंथ है वो 20 है बाइट्स है 5 × 4, विच मीन्स दैट देर आर 80 बाइट्स इन दिस टेलीग्राम. तो आपके पास जो इस टेलीग्राम में जो टोटल बाइट्स हैं वो 80 हैं. इफ द फर्स्ट बाइट नंबर इज 800, द लास्ट बाइट नंबर इज 879, ठीक है, इज वेरी सिंपल. अगर फर्स्ट आपके पास 800 है तो जो लास्ट बाइट होगी वो आपके पास 879 होगी. फिगर 20.13 शोज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेकसम कैलकुलेशन, जिसको हम CRC भी कहते थे, साइक्लिकली रिडंडेंसी चेक फॉर एन IP वर्जन 4
आईपी वर्जन 4 हेडर विदाउट ऑप्शंस, द हेडर इज डिवाइडेड इनटू 16 बिट सेक्शन, ऑल द सेक्शंस आर एडिट एंड द सम इज कंप्लीमेंटेड, द रिजल्ट इज इंटरेस्टेड इन द चेकसम फील्ड। तो ये हम देखते हैं फिगर 20.13 को। तो ये आपके पास एक फिगर 20.13 है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक दफा फिर यहाँ देखें कि हमारे पास क्या है कि शोज एन एग्जांपल ऑफ अ चेकसम कैलकुलेशन फॉर एन आईपी वर्जन 4 हेडर विदाउट ऑप्शन, यानी इसमें ऑप्शन नहीं है। द हेडर इज डिवाइडेड इनटू 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट सेक्शन में डिवाइड हुआ है। All the section are added, the sum is complemented, the result is inserted in the checksum field. वो आपका checksum field में insert हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि इसके अंदर क्या है, 45028 है, ठीक है। ये आपके पास 450 का value दी हुई है, ठीक है, 450028 की value दी हुई है। ये आपके पास यहाँ पे 1 की value दी हुई है। तो ये complete करते हुए आपके पास जो sum आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं 744E आ रहा है, और जो आपके पास चेकसम आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, बी बी बी, और आपके पास 1 आ रहा है, आपके पास इसका चेकसम आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना चेकसम की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि आपके पास अगर एक आपने चेकसम फाइंड करना है तो आपने कैसे फाइंड करना है, आप इन वैल्यूज़ को, इन बिट्स को जो है यूज़ करके अपना चेकसम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस ऑफ आईपी वर्जन 4 है, एक सिंगल बाइट है, एक मल्टी बाइट है, ठीक है। सिंगल बाइट के अंदर क्या है कि आप देख रहे हैं आपके पास नो ऑपरेशन, एंड एफ ऑप्शंस, और जो मल्टीपल बाइट है इसमें आपका रिकॉर्ड राउट है, आपका स्ट्रिक्ट सोर्स राउट है, आपका लूज सोर्स राउट है, और आपका टाइम स्टेप है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन हैं कि सिंगल बाइट्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो हमने क्या है कि नो ऑपरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है एंड ऑफ ऑप्शन हैं, ठीक है, और इसमें क्या है मल्टीपल बाइट में इसमें आपके पास जो रिकॉर्ड रूट है, आपके पास जो स्टिक सोर्स रूट है, आपके पास जो लूज सोर्स रूट है, और आपके पास टाइम स्टैम्प है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं आईपी वर्जन 4 में जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन हम आते हैं आईपी वर्जन 6 के ऊपर, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एंड द TCP/IP। हम यहाँ पे मैंने शुरू में भी बताया था कि हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 और 6 क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने ये देख चुके हैं कि आईपी वर्जन 4 की क्लासेस कितनी है। आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है, ठीक है, 80 बिट का नेटवर्क नोड होता है, 48 बिट, ठीक है, उसका नोड होता है। यहाँ पे हम जो है वो उसकी जो प्रोटोकॉल की इन डेप्थ जो हेडर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से एसोसिएट हैं आपके नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इन द TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट इज करंटली आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, ऑल दो आईपी वर्जन 4 इज वेल डिजाइन, जो आईपी वर्जन 4 है वो अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। डाटा कम्युनिकेशन हैज इवॉल्व्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ आईपी वर्जन 4 इन द 1970s में आपके पास ये आया था, और आईपी वर्जन 4 हैज सम डेफिशिएंसीज दैट मेक इट अनसुटेबल फॉर द फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट, यानी इसमें कुछ इश्यूज थे जो आपके फास्ट ग्रोइंग हैं, ठीक है, इंटरनेट के लिए। उन इश्यूज को जब हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर देखिए मैक्सिमम जो नेटवर्क की बिट्स थी वो 24 थी, जबकि वहाँ पे आपके पास 80 बिट्स सिर्फ नेटवर्क है, यहाँ पे मैक्सिमम जो नोड्स की बिट्स थी वो भी 24 थी, वहाँ पे आपके पास 48 बिट्स आपके पास जो यानी जो आपके पास थी वो नोड्स की बिट्स थी। तो जो आईपी वर्जन 6 है वो आपके पास टोटली चेंज था, वो हम सारा उसकी वो तो हम सारा कुछ लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सब नेटिंग किस तरह की जाती है, उसकी जो डिफरेंट क्लासेस थी वो क्लासेस कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आईपी वर्जन 6 को। आईपी वर्जन 6 पे हम देख रहे हैं कि जो इसका हेडर या इसका जो डाटाग्राम है या जो इसका हेडर पेलोड है वो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, 40 बाइट्स हैं और आप 65,535 बाइट्स हैं। ये आपका बेस हेडर है, ये आपके पास पेलोड है, और ये आपके पास एक्सटेंशन हेडर ऑप्शनल है, और ये आपके पास डेटा पैकेट्स है फ्रॉम अपर लेयर। फॉर्मेट्स ऑफ एन आईपी वर्जन 6 डाटाग्राम, तो अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है,
आपकी हॉप लिमिट है, ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ हैं। अभी आप देख रहे हैं ये 4 बिट्स 4 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट एडर जब इसको मूव करता है, नेक्स्ट एडर ये नेक्स्ट एडर इसको मूव करता है, ये नेक्स्ट एडर इसको मूव करता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो आपकी इसमें वर्किंग जो होती है, जो आपकी हायरार्की होती है, वो आपकी इस तरीके से जो है वो आपकी जो है चल रही होती है, वो आपकी मूव हो रही होती है। कोड्स क्या है इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट हेडर कोड्स फॉर आईपी वर्जन 6 हैं। आप देखें जो आपके पास 0 है, ये आपके पास जो है हाफ बाय हाफ ऑप्शन है। जो 2 है ये आईसीएमपी है, इंटरनेट कंट्रोल मैचिंग प्रोटोकॉल। जो 6 है ये टीसीपी के लिए है। 17 जो है ये आपके यूडीपी के लिए है। 43 जो है ये सोर्स राउटिंग के लिए है। 44 जो है ये आपके पास जो है फ्रेगमेंटेशन के लिए है। 50 जो है ये इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड के लिए है। 51 जो है ये आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए है। 59 जो है आपके पास नल है, यानी इसके आगे कोई नेक्स्ट आपका हेडर नहीं है। और 60 जो है आपके पास डेस्टिनेशन ऑप्शन है। प्रायोरिटीज फॉर कंजेशन कंट्रोल ट्रैफिक के, जो आपके पास जब आपके नेटवर्क में कंजेशन होती है, जिस तरह हमने बात की थी इथरनेट में, तो हमने कहा था उसमें सीएसएमए सीडी है, कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन जो आपका है प्रोटोकॉल है, वो आपकी कुलियन को रिमूव करता है। तो जब आपके पास यहाँ पे कंजेशन हो जाती है, तो जो आपके पास प्रायोरिटीज हैं, यानी जो 0 प्रायोरिटी है, नो स्पेसिफिक ट्रैफिक, जो 1 है ये बैकग्राउंड डाटा के लिए है, जो 2 है ये अनअटेंडेड जो आपके पास डाटा ट्रैफिक है, जो 3 है ये आपकी रिजर्व्ड है, जो 4th है ये आपके पास अटेंडेड बल्क, अगर आपके पास बल्क डाटा ट्रैफिक है उसके लिए, 5 है ये, ठीक है, जो 5 है ये भी आपकी रिजर्व्ड है, 6 है वो आपके पास इंफेक्टिव ट्रैफिक है, और जो 7 है वो आपके पास कंट्रोल ट्रैफिक है। तो ये आपके पास डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं कि अगर 0 है तो उसका क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, 2 का, एंड सो ऑन। 8 आपके पास जो है डेटा विद ग्रेटेस्ट, यानी जो आपका वर्ड होता है रिडंडेंट, आपके पास डुप्लीकेशन है, बैकअप है। 15 मीन कि डेटा विद लीस्ट, यानी जो 8 है वो आपके पास जो ग्रेटेस्ट है, और जो 15 है वो आपके पास लीस्ट रिडंडेंसी है। अब आपके पास कंपैरिजन बिटवीन आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 पैकेट हेडर्स। हमने आईपी वर्जन 4 6 तो सारा पढ़ लिया, लेकिन उसके हेडर्स को आज हम अभी जो है कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं द हेडर लेंथ फील्ड इज eliminated in IP version 6 because the length of the header is fixed in this version. ठीक है, IP 6 में आपके पास fixed length है। The service type field is eliminated in IP 6. The priority and flow label fields together take over the functions of the service type field. ठीक है, ये second हो गया। The total length field is eliminated in IP version 6 and replaced by the payload length field. Fourth है the identification flag and offset fields are eliminated from base header in IP version 6. They are included in the fragmentation extension headers. ठीक है जी, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। The TTL field is called hop limit in IP version 6. ठीक है जी, इसको hop limit कहते हैं IP version 6 में। The protocol field is replaced by the next field. The header checksum is eliminated because the checksum is provided by upper layer protocols. It is therefore not needed at this level. ठीक है जी, the option fields in IP version 4 are implemented as extension headers in the IP version 6. तो यहाँ पे हमारे पास जो different type के जो आपके डिफरेंस बनते हैं कि आईपी वर्जन 4 और 6 में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो हमने ये बात डिस्कस की कि द ऑप्शन फील्ड जो है वो आपके पास डिफरेंसेस हैं उसके अंदर, और उन फील्ड्स को हम आपस में किस तरीके से कैसे जो है यूज करते हैं। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन चार्ट है जो आपके पास आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 पैकेट्स के जो आपके हेडर्स हैं उसके लिए यूज होता है। आपके पास जो एक्सटेंशन हेडर टाइप्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास जो फर्स्ट है हाफ बाय हाफ ऑप्शन है, सेकंड है सोर्स राउटिंग है, थर्ड है आपकी जो फ्रेगमेंटेशन है, फोर्थ आपकी ऑथेंटिकेशन है, फिफ्थ आपके पास इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पे लोड है, और इसके बाद आपके पास डेस्टिनेशन की ऑप्शन हैं। तो अब इसमें देखें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। फर्स्ट जो है वो हाफ बाय हाफ है, सोर्स राउटिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, आपकी ऑथेंटिकेशन है, आपके पास इनक्रिप्टेड जो आपके सिक्योरिटी पेलोड्स हैं वो आपके इनक्रिप्टेड हैं, और आपके पास डेस्टिनेशन की डिफरेंट टाइप की आपकी ऑप्शंस आ रही हैं।
कंपैरिजन के अंदर कुछ जो हमने देखा है कि आईपी वर्जन 4 में और इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, द नो ऑपरेशन एंड एंड ऑफ ऑप्शन इन आईपी वर्जन 4 आर रिप्लेस्ड बाय पैड 1 एंड पैड एन ऑप्शन इन आईपी वर्जन 6. सेकेंड पॉइंट है द रिकार्ड राउट ऑप्शन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई इन आईपी वर्जन 6 में बिकॉज इट वॉज नॉट यूज, वो यूज नहीं की गई थी. ठीक है, द टाइम स्टैम्प ऑप्शंस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज इट वॉज नॉट यूज, ये भी यूज नहीं हुई थी. द सोर्स रूट ऑप्शन इज कॉल्ड द सोर्स रूट एक्सटेंशन हेडर इन आईपी वर्जन 6. द फ्रेगमेंटेशन फील्ड इन द बेस हेडर सेक्शन ऑफ आईपी वर्जन 4 हैव मूव टू द फ्रेगमेंटेशन एक्सटेंशन हेडर इन आईपी वर्जन 6. द ऑथेंटिकेशन एक्सटेंशन हेडर इज न्यू इन आईपी वर्जन 6, वो आपका बिल्कुल न्यू है. द इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड एक्सटेंशन हेडर इज न्यू. तो ये आपके पास कुछ और पॉइंट्स थे जो आपके आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के जो एक्सटेंशन हेडर्स थे ये उनका कंपैरिजन है. पहले जो हमने किया जो लास्ट स्लाइड में हमने अगर आप देखें तो ये आपके पास जो आईपी वर्जन 4 और 6 के जो शुरू के एड्रेस थे जो बाय डिफॉल्ट थे जिनको चेंज नहीं किया गया ये उसका कंपैरिजन था. फिर जो आईपी वर्जन 4 और 6 के एड्रेस में जो एक्सटेंशन हुई जो चेंजेस हुई उन चेंजेस के बाद जो आपका कंपैरिजन था वो ये कंपैरिजन था. देन आपके पास ट्रांजिशन फ्रॉम आईपी वर्जन 4 टू आईपी वर्जन 6, इसमें क्या है कि अब हम की जो ट्रांजिशन है आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6, इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ द ह्यूज number of systems on the internet the transition from IPv4 to IPv6 cannot happen suddenly. yani hum ye nahi kar sakte ki hum ek hi din mein migrate kar dein IPv4 ko IPv6 mein kyunki aapke jo number of sessions hain wo millions billions mein hain. theek hai, unko itne easily aap migrate nahi kar sakte IPv4 se IPv6 mein. cannot happen suddenly, it takes a considerable amount of every before every system in the internet can move from IP version 4 to IP version 6. the transition must be smooth to prevent any problems between IP version 4 IP version. अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी इंटरनेट है वो सारे का सारा आईपी वर्जन 4 के ऊपर चल रहा है. ठीक है, हम अगर उसको माइग्रेट करते हैं आईपी 6 के तहत तो उसके ये इस तरह ना हो कि जब माइग्रेशन करें तो 50% नेटवर्क आपका चले ही ना, 50% आपका नेटवर्क चले या 20% नेटवर्क आपका डाउन हो जाए. तो आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जब हम उसको माइग्रेट करें तो हमारा पूरे का पूरा एग्जैक्टली एक्यूरेट जो नेटवर्क 4 से है वो 6 में जो है शिफ्ट हो जाए. इसमें जो ट्रांजिशन की चीज़ है वो क्या है आपके पास, इसमें जो थ्री टाइप्स हैं जो 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 उसमें बताई गई है. नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास ड्यूल स्टैक, सेकंड आपके पास टनलिंग और थर्ड आपके पास आपकी हेडर की ट्रांसलेशन है. एक तो हम यूज कर लें ड्यूल स्टैक, दूसरा हम टनलिंग यूज करें और तीसरा आपके पास क्या है आपकी हेडर की ट्रांसलेशन है. ये आपके पास दे आर थ्री ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज. जो आपके पास ड्यूल स्टैक है, ड्यूल स्टैक में हम किस तरह यूज कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे ये आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर्स है, ये आईपी वर्जन 4 है, ये 6 है. यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडरलेइंग लैन और वेंट टेक्नोलॉजीज के वो ऐसा सिस्टम हो कि जो आईपी वर्जन 4 के सिस्टम को भी रन कर रहा हो और जो आईपी वर्जन 6 के सिस्टम को भी रन कर रहा हो. तो ये हम अपना यूज कर सकते हैं यूजिंग ड्यूल स्टैक. टनलिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि जो आईपी वर्जन 6 होस्ट जो आपके दोनों एंड पे होस्ट लगे हुए हैं ये 6 का हेडर जा रहा है, ये आपका राउटर, ये आपका वो टनल है जिसमें दोनों हेडर दे दिए, 4 भी आपके पास आ गया, 6 भी आ गया और पेलोड भी आ गया. तो यहाँ पे आप अपने दोनों हेडर्स को यूज कर सकते हैं 4 और 6 को. ठीक है, ये आपने एक टनलिंग बना दी, इस टनल के थ्रू अगर 4 का आएगा तो 6 में कन्वर्ट कर दे, 6 का आए तो 4 में कन्वर्ट कर दे. ये एक आपके पास टनलिंग स्ट्रेटजी है. और फिर आपके पास जो लास्ट है वो आपकी हेडर ट्रांसलेशन है कि जो आईपी वर्जन 6 है अगर दूसरे एंड पे 4 है तो वो जो कंपेटेबिलिटी बनाने के लिए ये आपके पास आईपी वर्जन 6 का रीजन है, ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये आपके पास आपका हेडर है तो वो आप इसमें ट्रांसलेट कर दे 6 को 4 में कर दे, 4 को 6 में कर दे, जिस तरह आपके पास इंटरप्रेटर होता है. तो ये आपके पास तीसरी आपकी है जो आपके पास स्ट्रेटजी है, जो आपके पास क्या है आपकी हेडर ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी, ये आपकी तीसरी स्ट्रेटजी है. ठीक है, तो ये आप अपने तीन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अपने कम्युनिकेशन में आईपी 4 और आईपी 6 में हम ये पॉसिबिलिटीज हैं और ये आपके पास
लास्ट आप डेटा ट्रांसलेशन प्रोसीजर है कि आईपी जो वर्जन 6 है वो मैप हो जाए आईपी वर्जन 4 के साथ बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट्स द वैल्यू ऑफ द आईपी वर्जन 6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड द टाइप ऑफ सर्विस फील्ड इन आईपी 4 इज सेट टू 0 द चेकसम फॉर आईपी 4 इज कैलकुलेटेड एंड इंसर्टेड इन द क्रॉसपोर्टिंग फील्ड. तो ये आपके पास डिफरेंट हेडर ट्रांसलेशन के स्टेप्स हैं. ठीक है, ये आपके 8 स्टेप्स हैं. इसमें लास्ट स्टेप क्या कहता है, द टोटल लेंथ ऑफ आईपी 4 पैकेट इज कैलकुलेटेड एंड इंसर्टेड इन द क्रॉसपोर्टिंग फील्ड्स. ठीक है, तो ये जो मेरे पास चैप्टर था ये आईपी वर्जन 4.6 के हेडर का था कि आईपी वर्जन 4.6 के हेडर्स के हैं. ठीक है, आईपी वर्जन 4 के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, आईपी वर्जन 6 में क्या क्या इश्यूज हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती हैं. तो ये हमने नेटवर्क लेयर के चैप्टर के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं. इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.